गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। एंड किड्स, इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू साउंड, ओके, एंड दैट इज ए वाई। किड्स, लेटर्स ए वाई मेक लॉन्ग ए साउंड। ए वाई सेज ए, ओके, and mostly AY letters come in the end of the words. Let us see and let us read the AY words, okay? Yes, so the first one is D A, day, D-A-Y, day. Yes kids, you can see the sun in the daytime. Next word is B A, bay. Kids, in our country, आप देख सकते हैं जो हमारी कंट्री का मैप है, इसमें राइट हैंड साइड आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रही है, और ये हमारी कंट्री के राइट हैंड साइड है, बे ऑफ बंगाल। बे मीन्स खाड़ी, और खाड़ी में क्या होता है? पानी। यस, एंड नेक्स्ट वर्ड इज ग ए, गे, जी ए वाई, गे। गे मीन्स हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड इज ह ए, हे, एंड हे इज द हीप ऑफ, किसका ढेर होता है ये? Dry leaves and straw. Okay. Hay means घास फूस का ढेर. Heap of dry leaves and straw. Yes. Next is P A. Pay. Pay करना means देना. जैसे आपके पापा आपको आपकी स्कूल फी पे करते हैं, जैसे पापा के बॉस पापा को वर्क के बदले में सैलरी पे करते हैं, सो पे करना मीन्स अदा करना, चुकाना, देना, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज र ए, रे, ए वाई मेक साउंड ऑफ लॉन्ग ए, आर ए वाई, रे। एंड किड्स, यू कैन सी In this picture that the sun has many rays. Sun ki bahut sari rays hoti hain. Rays means kirne. Okay. And the next word is way. W-A-Y. Way. Way means rasta. You can see here is a way. Ye कच्चा रास्ता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्ले, क्ल ए, क्ले, सी एल ए वाई, क्ले। एंड क्ले मीन्स गीली मिट्टी, और इस मिट्टी को टॉयज बनाने में यूज किया जाता है। इससे और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे यू कैन मेक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिगर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ओके। सो क्ले से अभी दीपावली पे क्या बनाए जाएंगे? दिए। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रे, ट्र ए, ट्रे, ए वाई सेज लॉन्ग ए, टी आर ए वाई, ट्रे। एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ट्रे। A tray is used for serving. इसे serving के लिए use किया जाता है. And next word is spray. S-P, spur, R-A-Y, ray. Spur, ray, spray. S-P-R-A-Y, spray. ये देखिए, आप डीओ स्प्रे करते हो, यूज करते हो, आप मॉस्किटो स्प्रे का भी यूज करते हो, टू किल द मॉस्किटोज। Yes, and the next word is pray, P-R-A-Y, pray, pr-a, pray,
प्रे करना मीन्स प्रार्थना करना। मॉर्निंग टाइम में हम अपने हैंड्स को ज्वाइन करके प्रे करते हैं, वी रिमेम्बर द गॉड। यस एंड किड्स, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टे, STER AYA, स्टे। स्टे मीन्स रुकना, ठहरना। और अभी हम कहाँ स्टे कर रहे हैं? वी आर स्टेइंग एट आर होम, ताकि हम कोरोना से बच सकें, दैट इज वाई वी आर स्टेइंग एट आर होम। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जे, जे ए वाई जे। किड्स, इट्स अ बर्ड, इट्स अ ब्लू बर्ड, जिसे नीलकंठ बोला जाता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जे। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेऑन्स, CRAYAONS, ऑन्स, क्रेऑन्स। और क्रेऑन्स तो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हो तो उनमें कलरिंग किसकी हेल्प से करते हो? विद द हेल्प ऑफ क्रेऑन्स। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिफरेंट क्रेऑन्स। यस, नेक्स्ट वर्ड इज अवे, अवे, AWA, अवे। अवे मीन्स बहुत दूर। मम्मा भी कभी कभी जब गुस्से में होती है ना, तो आपको बोलती है गो अवे, दूर जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज DIS, डिस, PLAY, डिस्प्ले। डिस्प्ले करना मीन्स एग्जिबिट करना, शो करना, दिखाना। मैम जब क्लास में कोई भी एक्टिविटी कराती हैं, तो जो बेस्ट वर्क होता है स्टूडेंट्स का, उसको डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाता है, सबको दिखाया जाता है कि ये बेस्ट वर्क स्टूडेंट्स ने किया है। यस एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टुडे, TO2DAY, डे, टुडे। टुडे मीन्स आज। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज मंडे। यस किड्स, टुडे इज मंडे। नेक्स्ट वर्ड इज YES, YES, यस, TER, यस, TER, YES, यस, TER, TER, and then we have DAY, day. So we will read it as yesterday. Yesterday means कल, जो कल पास्ट हो गया, बीत गया, गुजरा हुआ कल। यस, टुडे इज मंडे एंड yesterday वॉज संडे। कल कौन सा डे था? संडे था, SUNDAY, संडे। एंड संडे इज अ हॉलीडे, संडे को हमारी क्या होती है? वी गेट अ हॉलीडे ऑन संडे, HOLI, हॉली, DAY, डे, हॉलीडे। सो किड्स, दीज वर द वर्ड्स ऑफ ए वाई साउंड। आपने नोटिस किया कि मोस्टली वर्ड्स में ए वाई लेटर्स जो है एंड में आ रही है, एंड ए वाई लेटर्स मेक लॉन्ग ए साउंड। ओके, अब आपने क्या करना है? आपने ए वाई वर्ड्स से अपनी नोटबुक में डिक्टेशन करनी है। मम्मा आपको कोई भी ए वाई वर्ड बोलेंगी, एंड यू हैव टू राइट दैट इन योर नोटबुक। ओके किड्स, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।